हे गाइस, सो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। मेरा नाम है रश्मि और यह है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एंजल हाई प्रिस्टेस 1111। सो आज एक टॉपिक ऐसे ही बैठे बैठे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ के बारे में बोलूँगी कि हम इस अर्थ पे क्यों आए हैं। सो इसका मेन रीज़न क्या है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली सब लोग जो नॉर्मल पीपल है उनको ये लगता है कि मतलब हाँ, हमने जन्म लिया और हम बस जी के फिर से मतलब ये तो एक ही लाइफ है तो हम जी के इसको, और जैसे सब लोग नॉर्मल पीपल जीते हैं वैसे जी के हम चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब आपको पता भी नहीं है आप कितने जन्मों से ये मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। जैसे कि आप जब धरती पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं, तो आपको सब कुछ भूलना पड़ता है। मतलब आप जहाँ पे भी रहते हो, हेवन में, जहाँ पे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हो, जहाँ कहीं भी आप मतलब आपकी सोल का स्थान है, वो हेल हो सकता है, हेवन हो सकता है, कौन सा भी रेलम हो सकता है। सो आप उन सारी चीज़ों को आपको भुला कर इस दुनिया में आना होता है। क्यों? एक नॉर्मल ज़िंदगी, हम नॉर्मल तरीके से हम जन्म लेते हैं इसीलिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल की ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। हर एक आत्मा जो है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल की ग्रोथ के लिए ही जन्म लेती है। मतलब वो सिर्फ अपनी सोल को प्योर बनाने के लिए ही वो जन्म लेती है। और आप वहाँ पे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रह के आप सोल की ग्रोथ कर सकते, पर वहाँ पे इतना नहीं हो पाता जितना धरती पे आने के बाद आपकी सोल की ग्रोथ होती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, आपको कुछ अच्छे काम करने को भी मिलते हैं, तो जिसके वजह से आपकी सोल की ग्रोथ और होती है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना, हर एक आत्मा जो जन्म लेती है वो यूं ही मटेरियल चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, फिर इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए जन्म नहीं लेती है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी सोल की ग्रोथ। ओके, अपनी जितना आप अपनी सोल के ऊपर ग्रोथ करोगे उतना आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उतनी हायर डायमेंशन में, हायर रेलम में आपको जगह मिलेगी। ठीक है, उतनी आपकी सोल प्योर होएगी। तो अगर आप जितना पूरा करोगे अर्थ पे, कितने भी लोगों के साथ कर्मास क्रिएट करोगे अपने, तो उतनी ही गंदी जगह आप, चाहे आप यहाँ पे अर्थ पे आप इतना बुरा करने के बाद आपके आपके पास ढेर सारा पॉपुलैरिटी हो, पैसा हो या कुछ भी हो, पर आप जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपकी डेथ के बाद जब आप चले जाते हो, तो आपको बहुत ही लोअर स्थान दिया जाता है। वहाँ पे पॉपुलैरिटी, पैसा, ये देखकर आपकी सोल आपने क्या किया वो डिसाइड नहीं होता। आपके अंदर कितनी अच्छाई, आपने कितने अच्छे चीज़ें की है, आपने अपने सोल के लिए क्या किया है, अपने लोगों के लिए क्या किया है, वो देख के आपको आपकी स्थान दी जाती है। अगर आप धरती पे बहुत गरीब हो लेकिन आपने आपके पास ज़रा भी पैसा नहीं है, ज़रा भी पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छे काम किए, अपने ऊपर भी काम किया, और उसी मेहनत के साथ आपने जो कुछ भी कमाया है उसमें आप जियो, तो आपकी स्थान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ही हायर रेलम में है, क्योंकि आपकी सोल प्योर है।
और ऐसा नहीं है कि जो लोग हर एक इंसान जो पॉपुलर है वो अच्छे नहीं है, उनमें से कोई कई बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। तो अगर वो यहाँ पे धरती पे पॉपुलर है और अच्छे भी है और उन्होंने अच्छा काम भी किया है, तो उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अच्छी जगह मिलेगी। जो बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वहाँ पे आपको इस बेसिस मतलब आपकी अच्छाई के ऊपर ही जज किया जाता है। जज मतलब आपने जैसा किया आपको वैसा मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो आपने अपने हर एक आत्मा जब धरती पे आती है, बार बार जन्म लेती है, तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि वो अपनी सोल की ग्रोथ करें। वहाँ पे रहके इतना नहीं हो पाता, इसलिए वो धरती पे आते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं। और यहाँ पे ड्रॉबैक ये हो जाता है, मैट्रिक्स क्यों मैंने बोला है, क्योंकि ड्रॉबैक ये हो जाता है कि आपको सब कुछ भूल के आना पड़ता है कि आप क्या थे क्या नहीं, और फिर आपसे वही गलती होती है, वही गलती आप रिपीट करते हो और फिर उसी मैट्रिक्स में फंस जाते हो, फिर बार बार जन्म लेते हो, फिर मोक्ष तक पहुँच ही नहीं पाते। ये हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का रास्ता कभी छोड़ना नहीं चाहिए और अच्छाई का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखोगे और मैट्रिक्स में मटेरियल वर्ल्ड में ना फंसते हुए अपनी सोल की ग्रोथ जितनी ये जो लोग समझ पाए, तो उनकी ग्रोथ और अच्छी होगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं विश्वास करते कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमको कैसे पता, तुमने देखा है क्या, बट ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ अगर आत्मा ही नहीं होती या फिर हम नहीं होते तो प्लैनेट्स नहीं होते, धरती नहीं होती, तो कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अगर अगर ये चीज़ नहीं है तो भगवान भी नहीं है ना। तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं, अब लोग बोलते हैं कि आपने देखा है क्या, कभी देखने की क्या ज़रूरत है, अपने अंदर ढूंढो ना, मन से महसूस करो उनको। आपको हर एक चीज़ के लिए सबूत की क्या ज़रूरत है, ये भी तो एक ईगो है। आपको जैसे एहसास होता है वो ही तो स्ट्रांग रहता है कि हाँ भाई ऐसी भी चीज़ें होती है। तो ये एक चीज़ है जो कि एक मतलब आपको अगर धरती पे अगर भगवान ने भेजा है तो बहुत ही बड़ा, आप खुद के लिए आए हो, आप किसी और के लिए नहीं आए हो, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और अच्छी चाहे आपको ये दुनिया, ये जो माया है, आपको कितना भी भटकाने की कोशिश करे, इस मायावी वर्ल्ड में आपको आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला के रख दे, आप भैग जाओ और हर एक चीज़ करने लग जाओ, लेकिन आपको कभी अपनी अच्छाई नहीं भूलनी है। अच्छाई आपको हमेशा रखनी है, उसी से आपको रास्ता मिलेगा कि आप अपनी सोल की ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, उसी से आप आगे बढ़ोगे। वो सब एक टेस्ट होते हैं भगवान की तरफ से, कि देखते हैं कि इसकी नीयत बिगड़ती है या नहीं। अगर नीयत नहीं बिगड़ी तो फिर ये अपने सोल के ऊपर काम कर रहा है और इसने अच्छी तरीके से काम किया, इसको फिर अच्छी जगह मिलेगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ठीक है, सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा होगा कि एक्चुअली में हम क्यों आए हैं यहाँ पे और हमारा एक्चुअली में गोल क्या है और हमें इसको किस तरीके से जीना है। वही चीज़ें फॉलो करना जो जिसके लिए जिससे आपकी सोल की ग्रोथ हो, क्योंकि आत्मा की सुकून ही सबसे नंबर वन है और आत्मा अमर है। ठीक है, ये शरीर तो टेम्पररी है। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, सी यू।